हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स ब्रो। दिस इज लोकेश कुमार। आज से हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन। और क्लास 12th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है रिलेशन एंड फंक्शन। तो जो पहले हमारी डेफिनेशन होगी वो हम डिस्कस करेंगे रिलेशन के बारे में। तो चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो रिलेशन क्या होता है ये मैं आपको यहाँ पर बेटा क्लियर करूंगा। अब रिलेशन के बारे में अगर हम बात करें तो ये रिलेशन वर्ड हमारा इंग्लिश लैंग्वेज से आया है। इंग्लिश लैंग्वेज में आपने सुना होगा रिलेशन। अब इस रिलेशन का मतलब क्या होता है? रिलेशन का मतलब होता है जब हम टू थिंग्स को किसी लिंक के थ्रू जोड़ रहे होते हैं, है ना। जब टू थिंग्स को हम किसी लिंक के थ्रू कनेक्ट कर रहे होते हैं तो हम बोल देते हैं कि दोनों थिंग एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो ये हमारा रिलेशन का मतलब होता है, ठीक है बेटा। जैसे मैं यहां पर एक एग्जाम्पल लेके आपको दिखाता हूं तो क्लियर हो जाएगा कि रिलेशन एक्चुअल में है क्या, है ना। फिर इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन को पढ़ेंगे, पहले इन जनरल हम देख लेते हैं कि रिलेशन है क्या। तो देखो बच्चों, अगर आपके पास किसी स्कूल के, एक ही स्कूल के मैंने दो सेट ले लिए, एक सेट में ले लिया क्लास 12th के स्टूडेंट्स और एक सेट में ले लिया क्लास 11th के स्टूडेंट, ठीक है बच्चों। ए सेट ले लिया, सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th, और यहां पर मैंने बी सेट ले लिया, सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th। बी सेट ले लिया, सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th। अब मैं यहां पर कुछ रिलेशन आपको यहां पर क्रिएट करके दिखाता हूं जिससे कि आपके समझ में आ जाएगा कि रिलेशन एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। अब यहां रिलेशन को कैसे राइट करना होगा वो भी यहां से क्लियर हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो यहां पर देखिए बच्चों, जैसे मैंने एक रिलेशन यहां पर राइट किया, मैंने ए और बी में एक रिलेशन यहां पर बेटा बनाया है। वो रिलेशन क्या है वो देखिए। तो रिलेशन को लिखने का मेथड यही होगा, आगे भी हम इसी मेथड से लिखेंगे। तो ये तो आप समझ लीजिएगा कि कैसे रिलेशन को लिखा जाता है, लेकिन ये अभी मैथमेटिकल डेफिनेशन नहीं है, वो मैं अभी आपको एग्जांपल्स के बाद में दूंगा, ठीक है बच्चों। तो यहां पर लिखना कैसे है, यहां पर मैंने एक एलिमेंट मतलब कोई भी एक स्टूडेंट उठा लिया ए, ये सेट ए से उठाया है, और कोई स्टूडेंट उठा लिया आपने बी, ये सेट आपने बी से उठाया है। अब बच्चों ये दोनों ए और बी, यहां पर बेटा मैंने लिख लिया ए कॉमा बी, और ये लिखा ए इज ब्रदर ऑफ बी। क्या लिखा, ए इज ब्रदर ऑफ बी। तो यहां पर ये क्या है, एक रिलेशन है। ये क्या है बेटा, एक रिलेशन, ब्रदर का रिलेशन। ए और बी दोनों कनेक्ट हैं, ए और बी दोनों कनेक्ट हैं, और इन दोनों में रिलेशन किसका है, ब्रदर का है। अब इसको लिखने का जो तरीका है, किस तरीके से आप लिखेंगे, कौन सा मेथड आप यूज करेंगे, कौन से सिंबल्स यूज करेंगे, वो मैं यहां पर बेटा आपको दिखाई दे रहा हूं कि यहां पर जब आप ए और बी को रिलेट करा रहे हो और रिलेशन कैसा है, ब्रदर का रिलेशन है, तो बेटा आप यहां पर इस तरीके से लिखेंगे ए कॉमा बी, और ये स्मॉल ब्रैकेट में लिखा जाएगा, ठीक है। और पूरे को जो भी हमारा जो भी इंफॉर्मेशन है वो पूरी हम इसमें क्लोज कर देंगे, कर्ली ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। तो ये रिलेशन लिखने का हमारा मेथड होता है, ठीक है बच्चों। अब यहां पर ए कॉमा बी जो आपने लिखा है, ये मेरे पास क्या है, ये हमारे पास जो एलिमेंट आया है ये ए कॉमा बी, ये कहां का होता है बच्चों, तो ये आपने 11th क्लास में कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा होगा। ये बेटा हमारा बिलोंग कहां करता है, ए आपने कहां से लिया था, ए से, है ना। ए कहां से लिया है, ए से, मतलब क्लास 12th का एक स्टूडेंट लिया है। और बी क्या है बेटा, बी कहां से लिया है आपने, बी से, क्लास 11th का एक स्टूडेंट लिया है। और क्लास क्लास 12th और क्लास 11th को रिलेट कैसे किया, आपने रिलेट किया ए जो है वो ब्रदर है किसका, बी का, ठीक है बेटा। तो यहां पर ये जो ए कॉमा बी आया है, ये हमारा कहां का एलिमेंट आ जाता है, ये एलिमेंट आ जाता है ए क्रॉस बी का, ए क्रॉस बी, जो कि हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेशन रखता है बेटा। ये क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है ए क्रॉस बी, जो कि मैं अभी आपको क्लियर कर दूंगा। अभी सिंपल मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा था कि एक्चुअल में रिलेशन है क्या। तो मैंने अभी आपको बताया था कि रिलेशन क्या होता है, इंग्लिश लैंग्वेज का हमारा टर्म है, और यहां पर इसका मतलब होता है कि हम टू थिंग्स को एक लिंक के थ्रू कनेक्ट कर रहे होते हैं। तो यहां पर आपने टू थिंग्स हो सकते हैं, टू ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, है ना, उनको कनेक्ट कर रहे होते हैं। तो जैसा कि मैं यहां पर बेटा आपको बता रहा हूं कि मैंने यहां एक एग्जांपल ले रखा है, ए क्या है, सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th, ये एक ही स्कूल की हम बात कर रहे हैं, और यहां पर बी क्या है, सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th। अब यहां पर मैंने एक रिलेशन बनाया, रिलेशन को लिखने का मेथड आगे भी यही होगा, और आपने
इलेवंथ क्लास में लिखा भी होगा, ठीक है बच्चों। तो आप यहाँ पर एक रिलेशन बना रहे हो, और रिलेशन को कैसे लिख रहे हो कि मैंने ए और बी को यहाँ पर इस तरीके से राइट कर लिया है ना स्मॉल ब्रैकेट में, और रिलेशन क्या है ए और बी का, दोनों का रिलेशन है कि ए बी का क्या है ब्रदर है, मतलब ए और बी दोनों ब्रदर है एक दूसरे के, ठीक है। तो ये हमारी एक लिंक हो गई, और इसने इस लिंक ने काम क्या किया, इसने ए और बी को रिलेट कर दिया। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, एक रिलेशन कहलाएगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में रिलेशन होता क्या है, ठीक है। अब इसी को हम लोग अगर मैथमेटिक्स में देखेंगे कि मैथमेटिक्स में रिलेशन क्या होता है, तो उस रिलेशन को समझने से पहले सबसे पहले मैं आपको कार्डिनल प्रोडक्ट के बारे में बता देता हूं, जो कि आपने 11th में पढ़ा हुआ है, लेकिन ब्रीफ रिव्यू उसका दे देता हूं जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो देखो बेटा, अगर मैं कार्डिनल प्रोडक्ट की बात करूंगा, कार्डिनल प्रोडक्ट क्योंकि इसी की हेल्प से हम लोग मैथमेटिक्स की जो मैथमेटिकली जो डेफिनेशन है रिलेशन की, उसको यहां पर डिफाइन करेंगे। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूंगा, तो देखिए बेटा, ए और बी दो हमारे नॉन एम्प्टी सेट हैं। इफ ए इज नॉट इक्वल टू 5 एंड बी इज नॉट इक्वल टू 5, ये आपको याद रखना होगा, दोनों ही हमारे नॉन एम्प्टी सेट हैं, ठीक है। देन ए क्रॉस बी इज गिवन बाय, कार्टेशियन प्रोडक्ट को आप इस क्रॉस से दिखाएंगे, ठीक है। ए क्रॉस बी इज गिवन बाय ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी, ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। अब यहां पर बी क्रॉस ए अगर आप निकालेंगे, तो बी क्रॉस ए हमारे पास क्या बन जाएगा, बी कॉमा ए सच दैट बी बिलोंग्स टू बी। ध्यान रखेंगे बेटा, यहां अगर ए लिखा हुआ है तो ये पहला एलिमेंट पहले सेट से होता है ना, ये पहला एलिमेंट पहले सेट से होता है, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से होता है, ठीक है बच्चों। तो b कॉमा ए सच दैट b बिलोंग्स टू b एंड a बिलोंग्स टू a, आप इस टाइप से कार्डिनल प्रोडक्ट को यहां पर डिफाइन करते हैं। अब इसके बाद बात आती है कि ये जो मैं a कॉमा b लिख रहा हूं, ये आखिरकार a कॉमा b है क्या या b कॉमा a है क्या, तो ये जो a कॉमा b और b कॉमा a है ना, ये हमारे ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। ये क्या होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। तो यहां पर a कॉमा b हमारा क्या है, ऑर्डर्ड पेयर है। मतलब आप a कॉमा b लिखा हुआ है, तो इसका मतलब आप किसी भी तरीके से b कॉमा a नहीं लिख सकते, ये a कॉमा b ही रहेगा, इसका मतलब ये हुआ, क्योंकि ये इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं हम लोग, ऑर्डर्ड पेयर बोल देते हैं। आई होप ये समझ में आ गया होगा कि कार्डिनल प्रोडक्ट है क्या। अब मैं इसका एक एग्जांपल आपको लेके दिखाता हूं कि कार्डिनल प्रोडक्ट को आखिरकार हम लोग प्रेसिड कैसे करेंगे, ठीक है बच्चों। इफ a इज इक्वल टू 1 2 3 एंड b इज इक्वल टू 4 5 6 फाइंड a क्रॉस b एंड b क्रॉस a। तो यहां पर मैं कार्डिनल प्रोडक्ट को आपको समझाने वाला हूं, ये डेफिनेशन आपकी लिखी हुई है, ये आपको लर्न रखनी है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब इसको यूज कैसे करना है वो मैं आपको यहां पर समझा रहा हूं, हालांकि आपने 11th क्लास में ये पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक ब्रीफ रिव्यू यहां पर दे देता हूं जिससे कि आगे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो बच्चों, a क्रॉस b अगर आपको फाइंड आउट करना है, तो a क्रॉस b इज इक्वल टू, आप पहले a के एलिमेंट्स को लिख लेंगे क्रॉस, फिर b के एलिमेंट को लिख लेंगे, ठीक है, 4 5 6। अब आपको कैसे ये आपको लिखना है आगे, तो बेटा आप a क्रॉस b लिख रहे हो, तो पहले आप a का एक एलिमेंट ले लेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर b का एक एलिमेंट लेंगे, ठीक है। वन के साथ आपने किसको ले लिया, 4 को, ऐसे फिर आपने वन लिख लिया, फिर वन के साथ किसको ले रहे हो आप, दूसरा एलिमेंट ले लो 5, है ना, दूसरा एलिमेंट आपने राइट कर लिया। तो पहला एलिमेंट पहले सेट से लेना है, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से लेना है, ठीक है। अब ऐसे ही आगे वन के साथ आप क्या ले लेंगे, 6 को राइट कर लेंगे। अब वन के साथ मैं 4 5 और 6 तीनों एलिमेंट्स को राइट कर चुका हूं, अब मैं प्रोसीड करूंगा 2 को। तो 2 आपने लिख लिया, और 2 के साथ नेक्स्ट हमारे पास जो बी का एलिमेंट है वो 4, फिर 2 के साथ 5, फिर 2 के साथ 6। ऐसे ही आप 3 के साथ करेंगे, तो 3 के साथ हम 4 को राइट करेंगे, फिर 3 के साथ हम लोग 5 को राइट करेंगे, और 3 के साथ हम लोग 6 को राइट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन के आ गया, a क्रॉस b बन के आ गया। सिमिलरली आप यहां पर b क्रॉस a को भी निकाल सकते हैं। तो b क्रॉस a अगर आपको निकालना है, तो b सेट आपको आगे लिखना पड़ेगा, ध्यान रखेंगे, b सेट आपको आगे लिखना पड़ेगा। अब b सेट आपके पास कितना है, 4 5 6, और a सेट कितना है, 1 2 3। तो यहां पर b क्रॉस a निकालेंगे, तो ये आ जाएगा, अब b का एलिमेंट पहले लिखेंगे, क्योंकि b सेट आ गया, राइट, b सेट आ गया, तो b का एलिमेंट पहले लिखेंगे। तो यहां पर 4 4 1, 4 2, 4 3 एंड 5 1, 5 2, 5 3, 6 1, 6 2, 6 3, ये वाले एलिमेंट्स आपने बी क्रॉस ए को निकाल दिया, ठीक है बेटा। यहां तक समझ में आ गया होगा कार्डिनल प्रोडक्ट क्यों होता है, कार्डिनल प्रोडक्ट कैसे होता है ना। अब इसके बाद हम लोग ये जो हमारे एलिमेंट है ना, ये वाले एलिमेंट, ये एलिमेंट जो होते हैं,
ये बेटा हमारे ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। अभी मैंने बताया जो ए बी होगा ये क्या होगा हमारा ऑर्डर पेयर होगा। तो ये हमारे एलिमेंट जो होते हैं इनको बोलते हैं हम लोग ऑर्डर्ड पेयर। अब इनको ऑर्डर्ड पेयर हम लोग क्यों बोलते हैं, क्योंकि बेटा आप ध्यान रखेंगे कि 1.4 लिखा हुआ है, तो ये 1.4 को कैसे भी 4.1 नहीं लिख सकते आप, ये 1.4 ही होगा। ऐसा हो सकता है कि 1.4 यहां ना होके किसी और प्लेस पे आ जाए, प्लेस चेंज हो सकता है लेकिन इनका ऑर्डर चेंज नहीं हो सकता। ये बात आप लोग याद रखेंगे, इसलिए इसको ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। आई होप ये समझ में आ गया होगा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट को आपको कैसे प्रोसीड करना है। ठीक है बच्चों, अब यहां पर हम लोग जो टर्म है हमारे पास रिलेशन, उस रिलेशन को यहां पर लेके चलते हैं। अब मैथमेटिकली रिलेशन को कैसे डिफाइन करेंगे, अभी तो मैंने आपको बता दिया कि ये टर्म हमारा कहां से आया है, इंग्लिश लैंग्वेज से आया है, और इसका सेंस क्या है। मैथमेटिकली अगर हम लैंग्वेज रिलेशन को डिफाइन करें तो रिलेशन क्या है, ये आपने 11th में पढ़ा होगा, बट मैं आपको यहां पर और एक बार डिफाइन कर देता हूं। बच्चों यहां पर देखिएगा मैथमेटिकली इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इफ इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, टू नॉन एम्प्टी सेट्स, इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, देन द आर्बिट्रेरी सबसेट, आर्बिट्रेरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, आर्बिट्रेरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी is called relation from A to B, is called relation from A to B, that is relation R is subset of A cross B। जो relation होता है वो क्या होता है, A cross B का subset होता है। तो आप यहां पर ए क्रॉस बी लेके चल रहे हैं, आप अगर बी क्रॉस ए लिखेंगे तो वो रिलेशन हमारा बी टू ए हो जाएगा। आप ये भी बोल सकते हैं रिलेशन इज सबसेट ऑफ आर्बिट्रेरी सबसेट ऑफ बी क्रॉस ए। यहां पर आर्बिट्रेरी और इंक्लूड करना है, कोई सा भी आप सबसेट बना सकते हैं, आर्बिट्रेरी सबसेट ऑफ बी क्रॉस ए। तो ये हमारा रिलेशन होगा, रिलेशन आर इज आर्बिट्री सबसेट ऑफ बी क्रॉस ए, देन आर इज कॉल्ड रिलेशन फ्रॉम बी टू ए। तो आप बी टू ए भी इसको लिख सकते हैं, है ना। अगर आप बी क्रॉस ए का सबसेट लेके चल रहे हैं तो वो रिलेशन हमारा कैसा हो जाएगा, बी टू ए रिलेशन हो जाएगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा कि रिलेशन क्या है। रिलेशन हमारा कुछ नहीं है, ए क्रॉस बी का एक सबसेट होता है। मैं इसका आपको एक एग्जाम्पल लेके दिखाऊंगा कि आप कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं। सपोज आपके पास ये कोई ए सेट है 1, 2, 3, है ना, और ये कोई बी सेट है 4, 5, ये आपके पास बी सेट है। ठीक है, अब मैं यहां पर एक रिलेशन यहां पर बेटा मैं लिखता हूं, R इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए माइनस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी इज इक्वल टू माइनस वन। ठीक है बेटा, ए माइनस बी इज इक्वल टू माइनस वन, या a प्लस बी इज इक्वल टू, यहां पर हम बना लेते हैं एक रिलेशन, a प्लस बी इज इक्वल टू कितना ले लें हम लोग, a प्लस बी इज ग्रेटर देन 7, a प्लस बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7। ये मैंने एक रिलेशन बना लिया, ये a और b दो सेट दे रखे हैं और देखो मैंने इस a और b को कैसे रिलेट किया, a और b को रिलेट किया, a और b जब आप इन दो एलिमेंट को रिलेट कर पाएंगे जबकि इन दोनों का जो सम है वो 7 से ग्रेटर है। अच्छा यहां पर एक और चीज मैं लिख देता हूं कि ए मेरा है पहले सेट से और बी मेरा है दूसरे सेट से, तो यहां पर ये क्या है, मेरा एक रिलेशन बन गया। कैसे बन गया, कैसे रिलेट किया इन दोनों के एलिमेंट को, आपने रिलेट किया कि भाई ये दोनों एलिमेंट तब रिलेट होंगे जबकि इन दोनों का जो सम है ग्रेटर इक्वल
सेवन होगा, तब जाके रिलेट होंगे। अब भाई अगर मैं इस आर को बनाना चाहूं बच्चों, तो आप आर बनाएंगे तो देखो क्या बन जाएगा यार, ये आर आपके पास बन के आएगा। मतलब ऐसे ए और बी दो आपको एलिमेंट लेने हैं, ए लेना है पहली साइड से और बी लेना है दूसरी साइड से, कि उन दोनों का सम सेवन या सेवन से ग्रेटर हो। तो यहां पर आप वन और फोर, अगर आपने एलिमेंट वन ले लिया और यहां से फोर ले लिया, तो वन प्लस फोर फाइव होगा। तो बेटा ये तो सेवन से छोटा हो गया, हमें सेवन से बड़ा हो ऐसे एलिमेंट लेने हैं। तो वन और फाइव लेंगे तो वो भी हमारा सिक्स के इक्वल हुआ, वो भी हमारा सेवन सेवन के इक्वल या सेवन से बड़ा नहीं हुआ, तो वन और फाइव को भी नहीं ले सकते। अब आप टू और फोर को लेके चलेंगे, तो टू प्लस फोर कितना होगा बेटा सिक्स, तो टू प्लस फोर सिक्स हुआ, वो भी हमारा सेवन से लेस है, है ना, क्योंकि हमें ए और बी ऐसे लेने हैं जिनका कि सम हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू सेवन आ जाए। तो इसलिए आपको यहाँ पर एलिमेंट लेना पड़ेगा टू कॉमा फाइव, ए ले लिया टू और बी ले लिया फाइव, है ना। ए से ले लिया पहला एलिमेंट आपने और बी से ले लिया दूसरा एलिमेंट आपने, है ना। अब यहाँ पर टू कॉमा फाइव ये तो इसमें लाई करेगा, करेक्ट है, क्योंकि 2 प्लस 5 हमारे पास कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा और यहाँ इक्वल का साइन लगा हुआ है। तो ये 2.5 ये हमारा इस रिलेशन में एक एलिमेंट आ जाएगा। और ऐसे ही 3.4 भी इसमें एक हमारे पास एलिमेंट आएगा। और बेटा एक और एलिमेंट हमारे पास यहाँ पर कौन सा आ जाएगा 3.5 ये वाला एलिमेंट भी इसमें आ जाएगा। तो ये जो रिलेशन बन के आया वो ये बन के आ गया, मतलब 2 और 5 इस रिलेशन से, इस लिंक से 2 और 5 रिलेट करेंगे। पहले एलिमेंट का 2, दूसरे पहले सेट का 2, दूसरे सेट का क्या 5, और 3 और 4 रिलेट करेंगे, 3 एंड 5 रिलेट करेंगे, सारे एलिमेंट रिलेट नहीं करेंगे। तो ये हमारे पास क्या बन के आ गया, एक रिलेशन बन के आ गया। अब मेन बात ये है कि ये रिलेशन हमारा कहां से कहां तक है। तो बेटा यहां पर देखो, पहला एलिमेंट पहले सेट से लिया गया है, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से लिया गया है, तो ये रिलेशन हमारा ए टू बी है। कहां से कहां तक है, ए टू बी। तो यहां आप कहेंगे आर इज रिलेशन फ्रॉम, आर इज रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। तो ये आर हमारा ए से बी तक रिलेशन है, क्योंकि पहला एलिमेंट हमारा पहले सेट से है, दूसरा एलिमेंट हमारा दूसरे सेट से है। आप यहां पर ऐसा नहीं कर सकते, क्या सर हम इसे 5+2 कर दें, मतलब आप कहें कि सर 5.2 हम लिखे, तो 5+2 भी तो हमारा 7 के इक्वल आ रहा है, तो क्या 5.2 इसमें नहीं लाई करेगा। बेटा ये रिलेशन हमारा ए टू बी है, तो आप देखिएगा पहला एलिमेंट हमारे पहले सेट से होना चाहिए, तो क्या ये 5 हमारा पहले सेट में है, बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि आप 5.2 यहाँ पर लाई नहीं करा सकते, 5.2 इस रिलेशन में नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा 2.5, ध्यान रखेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा एक रिलेशन आ गया। अब मैंने रिलेशन की जो डेफिनेशन बताई है वो बताई है कि भाई रिलेशन जो होता है ना वो ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा सर क्या ये जो 2.5 3.4 3.5 ये ए क्रॉस बी का सबसेट है। यस, ये ए क्रॉस बी का सबसेट है। ऐसे ही हमारे पास और भी सबसेट बन जाएंगे, तो वो जितने सबसेट बनेंगे वो सभी हमारे इस ए टू बी में रिलेशन को डिफाइन करेंगे, ठीक है बच्चों। तो यहां पर ये ए क्रॉस बी का सबसेट आएगा, आप ए क्रॉस बी निकाल के दिखाएंगे, मैं आपको ए क्रॉस बी यहां पर निकाल के दिखाता हूं, ठीक है। ए क्रॉस बी कितना आ जाएगा, तो ए क्रॉस बी आ जाएगा 1.4 1.5 और 2.4 2.5, इसके बाद मेरे पास आएगा 3.4 3.5। अब देखिएगा ये मेरे पास सेट बन गया, है ना, ये सेट बन गया। अब देखो 2.5 2.5 यहां पर है, ये रहा एलिमेंट, 3.4 3.4 भी है एलिमेंट, 3.5 3.5 भी एलिमेंट है, कहां ये रहा। तो ये जो होता है रिलेशन, ये ए क्रॉस बी का क्या है, सबसेट होता है। यही हमने डेफिनेशन में लिखा है कि रिलेशन जो होता है वो ए क्रॉस बी का क्या होता है बेटा, सबसेट होता है। आई होप ये समझ में आ गया होगा इस एग्जाम्पल से कि रिलेशन हमारे पास होता क्या है और उसे कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। लेकिन बेटा आपको एक और बात याद रखनी होगी, केवल एक ही रिलेशन नहीं है ये ए टू बी में, ऐसे ही ए टू बी में हमारे पास बहुत सारे रिलेशन बन जाएंगे, ठीक है। उनकी काउंटिंग में बताऊंगा कितने रिलेशन बन जाएंगे, अभी आपके समझ में बस ये आ गया होगा कि रिलेशन होता क्या है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा, तो हम आगे प्रोसीड करते हैं। अब अगर बच्चों आपको कोई रिलेशन दे रखा है किसी भी सेट के ऊपर, है ना, सेट आपको गिवन होगा, ध्यान रखेंगे, और उन सेट के ऊपर एक रिलेशन R डिफाइन है और ये R इस टाइप से डिफाइन है, A कॉमा B बिलोंग्स टू कहां पर, मान लिया दो सेट है आपके पास A क्रॉस B, A क्रॉस B से आते हैं एलिमेंट,
है ना, ए क्रॉस बी से आए थे, अभी मैंने आपको बताया था, वेयर ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। तो यहां पर ये मेरे पास कोई रिलेशन दे रखा है बच्चों, तो यहां हम ये कहेंगे ए कॉमा बी इस रिलेशन में है, तो इसका मतलब है ए कॉमा बी इस रिलेशन में है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, इसका सेंस ये निकला दैट इज ए इज रिलेटेड टू बी, ए इज रिलेटेड टू बी। कोई भी रिलेशन होगा तो अगर ए कॉमा बी हमारा इस आर में है, इस रिलेशन में है, ये बिलोंग्स टू का साइन है, ध्यान रखेंगे किसका साइन है, बिलोंग्स टू का साइन है, ये आपने सेट में पढ़ा होगा, बिलोंग्स टू का मतलब ये ए कॉमा बी इस सेट में है, इस सेट में लाई कर रहा है, तो अगर हमारा ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है तो इसका मतलब निकलेगा कि ए हमारा बी से रिलेट कर रहा है। आई होप ये समझ में आ गया होगा कि इस जो एलिमेंट लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है। वैसे ये ऑर्डर्ड पेयर है ना, ऑर्डर्ड पेयर है, इसका ऑर्डर चेंज नहीं होगा। दूसरी बात यह है ए कॉमा बी अगर रिलेशन में है तो आप समझ जाएंगे कि ए और बी रिलेट कर रहे हैं। इसके बाद हमारे पास आता है बेटा टाइप्स ऑफ रिलेशन, ठीक है, तो टाइप्स ऑफ रिलेशन को हम लोग यहां पर डिफाइन कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन, तो बच्चों यहां पर मैं जो डिस्कस कर रहा था रिलेशन को, तो रिलेशन मैंने आपको बताया था अभी कि रिलेशन जो होता है हमारा वो क्या होता है, ए क्रॉस बी का सबसेट होता है, राइट, रिलेशन ए क्रॉस बी का सबसेट होता है, ये मैंने आपको अभी बताया था, राइट। अब यहां पर जो हम टाइप्स ऑफ रिलेशन को जब डिस्कस करने जा रहे हैं तो यहां हम लोग केवल एक सेट पर ही ये सब कुछ डिस्कस करेंगे, मतलब रिलेशन को हम लोग ए क्रॉस ए का ही सबसेट लेके चलेंगे जब हम टाइप्स ऑफ रिलेशन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहां पर टाइप्स ऑफ रिलेशन में हम लोग बी सेट ना लेकर ए सेट को ही यहां पर लेके चलेंगे, मतलब जो सबसेट लेना है वो ए क्रॉस ए का ही लेना है, ठीक है बच्चों। तो ये बात आप लोग याद रखेंगे, केवल किस पर वर्क करेंगे, केवल सिंगल सेट पर वर्क करेंगे। तो सबसे पहले यहां पर टाइप्स ऑफ रिलेशन में मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, एक एग्जांपल को समझने की कोशिश करते हैं, उसकी हेल्प से हम टाइप्स ऑफ रिलेशन पर रीच करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहां पर एक एग्जांपल राइट करता हूं। देखिए जैसे आपके पास कोई सेट है और इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4, आपने एक सेट लिख लिया और एलिमेंट लिख लिए 1 2 3 4, ये एलिमेंट आपने राइट कर लिए। अब मैं यहां पर एक रेस्ट्रिक्शन लगा देता हूं, देखिए बेटा रेस्ट्रिक्शन का मतलब मेरा सेंस था रिलेशन से, एक रिलेशन में यहां पर डिफाइन करता हूं, R इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए प्लस बी इज इक्वल टू 10, ए प्लस बी इज इक्वल टू 10। आपने ये एग्जांपल लिया, यहां देखिए बेटा ए सेट आपने ले लिया, ये ए सेट सेट आपको गिविन होगा, ठीक है, रिलेशन भी आपको गिविन होगा। अब आपको बस ये देखना है कि क्या, हाँ एक और चीज, यहां जो ए और बी है ना, ए भी ए में है और बी भी हमारा ए में है। मैंने अभी आपको बताया कि जो हम टाइप्स ऑफ रिलेशन पर जब बात करेंगे तो यहां केवल एक ही सेट पर वर्क करेंगे, यानी रिलेशन को हम ए टू ए ही डिफाइन करेंगे, सिंगल सेट पर डिफाइन करेंगे, ठीक है बच्चों, ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है, केवल सिंगल सेट पर डिफाइन करेंगे। तो यहां पर मैं ए को भी ए से लेके चल रहा हूं और बी को भी ए से लेके चल रहा हूं। अब कंफ्यूज मत होना सर, ए क्रॉस ए का सबसेट होगा रिलेशन, बिल्कुल होगा ए क्रॉस ए का, और निकालने का मेथड वही होगा। अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं ए क्रॉस ए निकाल के दिखा देता हूं, एक छोटा सा सेट लेके, ए इज इक्वल टू 1 2 है और यहां पर ए इज इक्वल टू 1 2 है, तो ए क्रॉस ए अगर आप निकालेंगे तो आपने 11th क्लास में सीखा होगा 1 2 क्रॉस 1 2, ये बेटा आपको निकालना है। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 1 1 2, है ना, 1 1 1 2, 2 1 एंड 2 2, ये देखो ये एक क्रॉस ए निकल आया, तो इसके सबसेट भी बन सकते हैं भाई, जब एक क्रॉस ए एग्जिस्ट कर रहा है तो सबसेट भी इसके एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है बच्चों। अब देखिएगा, तो मैं यहां पर केवल सिंगल सेट की बात कर रहा हूं, टाइप्स ऑफ रिलेशन में हम लोग केवल सिंगल सेट पे ही बात करते हैं। तो मैंने एक सेट ले लिया 1 2 3 4 और यहां पर एक रिलेशन को डिफाइन किया ए कॉमा बी सच दैट ए प्लस बी इज इक्वल टू 10, वेयर ए बिलोंग्स टू ए एंड बी आल्सो बिलोंग्स टू ए। तो अब आप बताइए क्या यहां पर कोई ऐसे ए और बी, यहां पर कोई ऐसे दो नंबर है जिनका सम 10 आ जाए। आप देखेंगे कि आप दो नंबर कोई सी भी ले लो, अगर आप ए क्रॉस ए यहां पर निकालेंगे भी, ए क्रॉस ए आपके पास कितना निकलेगा, 1 2 3 4 क्रॉस 1 2 3 4, ये आप निकालेंगे तो ये निकलेगा। बेटा यहां पर मैं थोड़ा छोटा कर ले रहा हूं क्योंकि मैथड तो वही होगा, बस ये है कि आपके समझ में आ जाएगा। देखिए तो ये मेरे पास 1 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 3 3 1 3 2
3.3 और ये 4.1, 4.2, 4.3, 4 है कहीं? 4 तो है ही नहीं, है ना, 4 तो है ही नहीं, केवल आपके पास 1, 2, 3 है। अब ये मेरे पास A क्रॉस A निकल के आया। अब A क्रॉस A से आपको वो एलिमेंट को इस रिलेशन में लगाना है जिन दोनों एलिमेंट का जो सम है वो कितना आ जाए, 10 के इक्वल आ जाए। तो बताइए क्या यहाँ पर कोई ऐसा एलिमेंट है जिसमें कि जो हम जो दो नंबर ले रहे हैं उनका सम हमारा 10 के इक्वल आ रहा हो। यहाँ पर 1+1, जैसे ये A है ये B है, इन दोनों का सम करेंगे तो 2 आएगा, 10 तो आ ही नहीं सकता। अगर सबसे बड़ा देखो तो सबसे बड़ा 3+3, 6 आएगा, 10 नहीं आएगा। मतलब ये हो गया कि इस R में कोई भी एलिमेंट नहीं है। आप देख रहे हैं इस R में A, B ऐसे दो एलिमेंट है ही नहीं जिनका कि सम 10 आ जाए। तो ऐसे भी रिलेशन हमारे होते हैं और उन रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्प्टी रिलेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर R में हमारे पास कुछ भी नहीं है बेटा, है ना, 5 हो गया। एम्प्टी रिलेशन को किससे दिखाओगे, 5 से दिखाओगे। तो एम्प्टी रिलेशन की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, सबसे पहला जो मेरे पास रिलेशन है टाइप ऑफ रिलेशन में वो है एम्प्टी रिलेशन। कौन सा, एम्प्टी रिलेशन। तो एम्प्टी रिलेशन की अगर मैं बात करूंगा तो एम्प्टी रिलेशन का मतलब हो जाएगा वो रिलेशन जिसमें कि कोई भी एलिमेंट खुद से रिलेट नहीं हो रहा है ना, वो रिलेशन जिसमें कि कोई भी एलिमेंट खुद से रिलेट नहीं हो रहा है। तो आप इसको डिफाइन करने के लिए ऐसे लिखेंगे, इफ नो एलिमेंट ऑफ सेट ए रिलेटेड टू इट्सेल्फ। अगर कोई भी एलिमेंट सेट ए का खुद से रिलेट नहीं हो रहा है, मतलब खुद के एलिमेंट से रिलेट नहीं हो रहा है, कहने का मतलब ये है रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ इट्सेल्फ, रिलेटेड टू, यहां पर एक और चीज लिख लो, एनी एलिमेंट ऑफ इट्सेल्फ, ऑफ इट्सेल्फ। इफ नो एलिमेंट ऑफ सेट ए रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ इट्सेल्फ, यानी कि कोई भी एलिमेंट आपस में रिलेट नहीं हो रहे हैं, तो आप समझ जाइएगा वो रिलेशन हमारा कैसा होगा, एम्प्टी रिलेशन होगा। तो ये रिलेशन हमारा क्या कहलाएगा, एम्प्टी रिलेशन कहलाएगा। एग्जांपल के लिए आप ये समझ सकते हैं ये रिलेशन हमारा क्या है, एम्प्टी रिलेशन। ये देखो ये रिलेशन हमारा एम्प्टी रिलेशन है क्योंकि यहां पर कोई भी एलिमेंट का सम 10 के इक्वल नहीं आएगा। आईओपी समझ में आ गया होगा कि एम्प्टी रिलेशन हमारा होगा क्या। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं लेके दिखा देता हूं एम्प्टी रिलेशन का। देखो बच्चों, एम्प्टी रिलेशन का एक और एग्जांपल दिखा देता हूं। एग्जांपल 2, अब यहां पर मैंने एग्जांपल 2 लिया, यहां लिखा सेट में सेट ऑफ पैरेलल लाइंस, सेट ऑफ पैरेलल लाइंस, भाई सेट मैंने ले लिया है पैरेलल लाइंस का। अब मैं यहां इस सेट पर जो रिलेशन डिफाइन कर रहा हूं वो रिलेशन क्या डिफाइन कर रहा हूं, A, B such that A is perpendicular to B, A is perpendicular to B where A belongs to A and B belongs to also A। ठीक है, अब आप इस रिलेशन के बारे में क्या कहेंगे, क्या ये रिलेशन हमारा, इस रिलेशन में कुछ एलिमेंट आएंगे, बिल्कुल भी नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे, कि यहां पर जो सेट हमें दे रखा है ना वो पैरेलल लाइंस का है, ये पैरेलल लाइंस का है। पैरेलल लाइंस का मतलब है जो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कहीं नहीं करेंगे। अब यहां कौन से हमें लाइंस लेनी है, इस सेट से ऐसी लाइन लेनी है जो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो, मतलब इस टाइप की लाइन हो, है ना। अब यहां आप एक चीज देखेंगे कि यहां तो इस टाइप की लाइंस है ही नहीं क्योंकि तो सेट ऑफ पैरेलल लाइंस है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा, यहां पर भी कोई भी ऑर्डर पेयर एग्जिस्ट नहीं करेगा। आई होप समझ में आ गया होगा कि एम्प्टी रिलेशन होता क्या है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, जो हमारे पास रिलेशन है वो है यूनिवर्सल रिलेशन। तो यूनिवर्सल रिलेशन को देख लेते हैं। तो यूनिवर्सल रिलेशन को समझने से पहले मैं यहां पर एक और आपको एग्जांपल दूंगा जिससे कि बिल्कुल क्लियर हो जाए कि यूनिवर्सल रिलेशन हमारा होता क्या है। तो देखिए बच्चों, यहां मैं नेक्स्ट एग्जांपल लेके चलता हूं, उस एग्जांपल को समझने की कोशिश करते हैं और फिर पहुंचेंगे हम लोग यूनिवर्सल रिलेशन पर। तो बच्चों यहां पर मैंने सेट लिया 1, 2, 3, है ना, सेट तो वही लिया 1, 2, 3 और मैंने रिलेशन क्या डिफाइन किया, आर इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट मॉड ए माइनस बी इज ग्रेटर इक्वल जीरो, मॉड ए माइनस बी इज ग्रेटर इक्वल जीरो,
यहां ए भी मेरा ए से बिलोंग कर रहा है और बी भी मेरा ए से ही बिलोंग कर रहा है, ठीक है। ए टू ए रिलेशन हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। मैंने अभी आपको बताया था टाइप्स ऑफ रिलेशन में हम लोग ए टू ए मतलब सेट से खुद सेट से सेट पर ही हम रिलेशन को यहां पर डिफाइन करेंगे। तो बच्चे यहां पर आप देखेंगे, यहां मैंने लिखा a माइनस बी इज ग्रेटर इक्वल जीरो। तो अब आप अगर यहां पर सॉल्यूशन इसका देखें बेटा, तो मैं अगर a क्रॉस a पूरा निकाल दूं, क्योंकि कोई भी रिलेशन जो होता है वो क्या होता है, a क्रॉस a का सबसेट होता है। यहां पर मैं बस समझाने के लिए आपको a क्रॉस a निकाल रहा हूं, आगे जब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे एनसीईआरटी की या फिर क्वेश्चंस को जो एग्जांपल्स हैं उनको सॉल्व करेंगे तो वहां पर हम a क्रॉस a नहीं निकालेंगे। बस ये टॉपिक क्लियर हो जाए इसलिए मैं आपको यहां पर फाइंड आउट करके दिखा रहा हूं। तो a क्रॉस a अगर मैं निकालूंगा 1 2 3 1 2 3, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 1 1 2 1 3 और ये 2 1 2 2 3 3 1 3 2 3 3। ये आपके पास ए क्रॉस ए निकल के आया। अब आप बताइए बेटा कि अगर मैं यहां पर ये एलिमेंट इस रिलेशन में कब होंगे, जबकि इस वाली कंडीशन को ये होल्ड करेंगे, तो क्या इनमें से कोई एलिमेंट ऐसा है जो कि इस कंडीशन को होल्ड ना कर रहा हो? सारे कर रहे हैं। आप देख लीजिए कि अगर मैं यहां पर लगाऊं 1 a, b के प्लेस पे 1 1 लगाऊं, तो 1 1 निकालेंगे तो जीरो हो जाएगा। और यहां पर कह भी रहा है कि भाई यहां पर वो एलिमेंट ले सकते हैं जिनका के डिफरेंस जीरो के इक्वल आ रहा हो, तो बिल्कुल आ जाएगा जीरो के इक्वल। अगर आप 1 2 को लेके चलेंगे, अगर मैंने यहां पर 1 2 लगा दिया राइट, तो 1 2 जब आप करेंगे तो ये मेरे पास मॉड लगा हुआ है। मॉड का मतलब है कि अगर नेगेटिव भी वैल्यू आएगी ना तो भी ये पॉजिटिव बना देगा, है ना। 1 2 -1 लेकिन मॉड लग रहा है इसलिए +1। तो आप कोई भी एलिमेंट उठा लो, जैसे 1 3 उठाओ, तो 1 3 अगर आप लेके चलेंगे तो चेक कर रहे हैं कि 1 3 इस रिलेशन में आएगा या फिर नहीं आएगा। तो यहाँ 1 3 जब आप कर रहे होंगे तो ये मेरे पास 2 की इक्वल आएगा, जो कि पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब ये है कि ये सारे एलिमेंट जो है ना वो इस रिलेशन में आ जाएंगे, है ना, क्योंकि ये सारे एलिमेंट इस कंडीशन को क्या कर रहे हैं, फुलफिल कर रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो रिलेशन है वो पूरा a क्रॉस a इक्वल आ गया। तो जब रिलेशन हमारा a क्रॉस a इक्वल आ जाएगा तो वो रिलेशन हमारा क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल रिलेशन कहलाएगा। यानी कि सारे एलिमेंट जो हैं सेट a के, वो सेट a के किसी न किसी एलिमेंट मतलब आपस में रिलेट कर रहे हैं, सारे एलिमेंट आपस में क्या कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं। तो यहां पर यूनिवर्सल रिलेशन की अगर हम डेफिनेशन देंगे तो क्या होगा, इफ इफ r इज इक्वल टू a क्रॉस a, यानी जो रिलेशन है वो हमारा किसके इक्वल आ जाए, a क्रॉस a के इक्वल आ जाए, देन r इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। और एग्जांपल मैंने आपको बेटा दिया हुआ है यूनिवर्सल रिलेशन का, जो कि आपके पास यहां पर लिखा हुआ है। आई होप आपके समझ में आज का टॉपिक आ गया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि जो आगे आने वाली वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है ना तो लाइक जरूर करिएगा और शेयर भी अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।